साथियों, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ग्राम कोसमी में तेज आंधी तूफान से घर के ऊपर गिरा पेड़, कोई जनहानि नहीं। दोपहर 2 बजे अचानक मौसम बदलने से और आंधी तूफान से परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम कोसमी में एक घर के ऊपर पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि तेज आंधी तूफान से कोसमी के जिस घर के ऊपर पेड़ गिरा है, उस वक्त घर में ही सोए हुए छोटे बच्चे और उनकी माता घर पर ही मौजूद थे, जो बाल बाल बच गए हैं। बताया जा रहा है कि घर के मुखिया मानसी उइके घर पर नहीं है, काम धंधे के सिलसिले से बाहर गए हुए हैं। पत्नी रामवती उइके व 2 पुत्र घर के अंदर ही मौजूद थे, परंतु उन्हें किसी तरह चोट नहीं लगी है। घर पूरी तरह से गिर चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि घर के गिर जाने से वर्तमान में पीड़ित परिवार के समक्ष सिर छुपाने की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते घर के सदस्य दुखी है। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी के चलते घर के मुखिया मानसी उइके घर से दूर रहकर काम धंधे के सिलसिले से बाहर गए हुए हैं। घटना की सूचना ग्रामीणों के द्वारा राजस्व अमले को दे दी गई है। पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जो आज यह जो घटना ग्राम कोसमी में तेज हवा तूफान के चलते जो घटी है, तो आप अपना नाम बताएंगे? श्रीमती रामवती उइके, ग्राम कोसमी। तो यह कितने समय की घटना है जो आपके इस मकान पे तेज हवा तूफान के चलते यह घटी है? 4:30 बजे। 4:30 बजे की घटना। साथियों, जो यह जो घटना है, आज भीषण तेज तूफान के चलते ग्राम कोसमी में श्रीमती रामवती बाई उइके पति मानसिंह उइके के घर को यह जो आम का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़, मकान को क्षतिग्रस्त किया है। और बहुत ही हमारे जो साथ में कुछ साथीगण हैं, मैं हमारे वार्ड पंच महोदय जी हैं, मैं चाहूँगा कि यह जो घटना घटी इसके बारे में क्या, किस समय यह जो घटना घटी और क्या हवा तेज रफ्तार थी, क्या स्थिति थी हवा की? यहाँ पे जो आज की जो तूफान की जो गति थी बहुत तेज थी, जिसके चलते डगाला ही नहीं है, पूरा आम का पेड़ गिरा हुआ है, जिससे पूरा आधा मकान से ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है। जी हाँ, पुत्र 2 पुत्र। ठीक है, आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।